हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक। आज की वीडियो में लेके आया हूँ इन्फिनिक्स नोट 10 का यहाँ पे रिव्यू आफ्टर 180 डेज ऑफ रियल वर्ल्ड यूसेज। जी हाँ, मैंने जब 65 डेज ऑफ यूसेज का मैंने किया था, तब मैंने बताया था फ्रेंड्स आप लोगों की मैं 6 महीने के बाद अपना ओपिनियन दूंगा यहाँ पे इस इन्फिनिक्स के नोट 10 को लेके यहाँ पे। तो ये वीडियो आ चुका है फाइनली आफ्टर लॉन्ग अवेटेड टाइम। यहाँ पे हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 जो कि बजट कैटेगरी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर करता है यहाँ पे हमें इसके अंदर। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कैसा ये निकल के आता है और क्या ये 10 to 12,000 रुपीज़ के जो रेंज में फ़ोन निकल के आता है उसमें लेने लायक है या नहीं इस वीडियो में। तो वीडियो को नहीं देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर शुरू कर देना। तो जैसे कि बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट बात क्या, मैं आप लोगों को अपना एक ओपिनियन दूंगा यहाँ पे नोट 10 को लेके फुल एंड फाइनल रिव्यू आफ्टर 180 डेज ऑफ यूसेज। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ये स्मार्टफोन निकल के आता है। देखो, सबसे पहले बात किया जाए ना यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है 6.95 इंचेस का। फुल एचडी पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है, बट एक चीज़ है कि ये आईपीएस पैनल को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, स्क्रीन के रिफ्रेश रेट की बात किया तो बहुत 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले में यहाँ पे कहेंगे कि देखो मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, बट ओवरऑल देखेंगे ना हर एक चीज़ के हिसाब से तो यहाँ पे सुपर एमोलेड हो सकता था। बट ये सब चीज़ें यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती थी तो और भी ज़्यादा एलिगेंट हो जाता, बट फिलहाल के लिए मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिवाइसेस है। अगर आप मूवी ज़्यादा देखते हैं, काम कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स करना है, गेमिंग करना है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्रीन देखने को मिलता है। और एक चीज़ है कि फुल एचडी 1080p रिजोल्यूशन के वीडियोस को सपोर्ट कर जाता है और आईपीएस पैनल स्क्रीन देखने को मिलता है। बाकी देखो, सेंटर पंच होल देखने को मिलता है, तो ये लुक एंड फील वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल जो आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्ले, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइब्रेंट यहाँ पे विविड कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा, बट ये है कि फ्रेंड्स अगर एमोलेड होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, बट इन्फिनिक्स एमोलेड ला ही नहीं रहा क्योंकि वो बजट कैटेगरी में सिर्फ आईपीएस पैनल ही लेके आता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हॉट नोट 11 जो इसका सक्सेसर रहने वाला है वहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स इन्फिनिक्स नोट 10 में हीलियो G85 जो कि परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पैरअप किया गया XOS 7.6 के इनके UI के साथ और एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो ये देखेंगे तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। G85 देखो, अगर ऑन पेपर भी बात की जाए और रियल टाइम परफॉर्मेंस भी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही में XOS 7.6 का जो कॉम्बिनेशन दिया गया ना, वो थोड़ा सा और एडअप करता है क्योंकि वो यहाँ पे गेमिंग में थोड़ा सा बूस्टिंग प्रोवाइड करता है और डे टू डे लाइफ में भी और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और एनहेंस कर देता है। बट एक चीज़ है फ्रेंड्स, उनका XOS 7 जो XOS UI इन्फिनिक्स का खुद का UI है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे। हैवी इन द सेंस कि वो लोड बहुत करता है फ्रेंड्स इसके यहाँ पे परफॉर्मेंस को, तो उस हिसाब से कभी कभी आप लोगों को ऐप क्रैश या फिर स्नैपी कभी कभी लगता है यहाँ पे फ़ोन में। बाकी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट यही है फ्रेंड्स इन्फिनिक्स को अभी भी UI पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अभी ये तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट और भी मैं कहूँगा फ्रेंड्स और उसको लाइट कर लीजिए, क्लोज टू स्टॉक कर लीजिए, तो जाके वो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे या फिर ज़्यादा लोड ना दे यहाँ पे परफॉर्मेंस, इन द सेंस कि हार्डवेयर पे जो प्रोसेसर मिलता है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिलता है, बट कभी कभी स्नैपी या फिर ऐप क्रैशेस हो जाता है। बाकी 6128 464 का दो वेरियंट देखने को मिलता है आप लोगों को, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको जो लेना है ले लीजिए। मेरे हिसाब से 128GB ले लीजिए बिकॉज वो स्टोरेज भी ज़्यादा है, तो आप लोगों को अभी अच्छा खासा रहेगा बिकॉज 64GB अब मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड नहीं है, 128GB इज़ नाउ द स्टैंडर्ड, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो 64GB अब तुरंत ही भर जाता है यहाँ पे। और बाकी कैमरास की बात किया जाए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स हमें देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा 48+2+2। अब 48 megapixel का मेन सेंसर, 2 megapixel मैक्रो, 2 megapixel का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है यहाँ पे। अब कैमरा की बात करूँ डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग मेजर एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। हाँ, डे टू डे लाइफ कंडीशन जहाँ पे लाइटनिंग बहुत ही अच्छा है वहाँ पे आप लोगों को तो आउटपुट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा सफर करता है। ऑब्वियसली फ्लैश लाइट भी देखने को मिलता है और फ्रंट में भी 16 megapixel का सेंटर पंच होल देखने को मिलता है। और एक चीज़ है कि फ्रंट में भी आप लोगों को फ्लैश लाइट का यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया, देख लीजिए फ्रंट कैमरा में भी साइड में फ्लैश लाइट। ये इन्फिनिक्स के इंजीनियर डिपार्टमेंट को थम्स अप करूंगा बिकॉज ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। वहीं बैक की तरफ भी जो फ्लैश लाइट है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक फ्रेंड्स आप लोग पॉइंट नोट करके रखना, फ्लैश लाइट ब्रैक कैमरे का इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आप लोगों को प्रोड्यूस करेगा और फ्रंट भी अच्छा खासा है। बट कैमरा से मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ऑन पॉइंट शार्प इमेजेस निकालेगा,
डे लाइट कंडीशन अच्छा है वहाँ पे निकाल देगा, बट लो लाइट में या फिर जहाँ पे भी लाइट हल्का सा भी कम हो तो एवरेज परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कैमराज को लेके। बाकी मतलब ठीक है यार, काम चलाने के हिसाब से बजट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिसेंट देखने को मिलता है, एवरेज या फिर डिसेंट कह सकते हैं यहाँ पे। बाकी 5000 mAh का बड़ा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है 18 वॉट के अडैप्टर के साथ, बट बैटरी का ये अच्छा कि 5000 दिया गया, बट वो लिटरली यहाँ पे चलता है एक दिन तक, कितना भी आप हैवी यूज़ कर लीजिए एक दिन आपका काम चलाऊ कर देगा, मतलब एक दिन ईजिली तरीके से आप लोगों को निकाल देगा। और ओवरऑल फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट के साथ यहाँ पर ये आता है फ्रेंड्स। 3.5 का हेडफोन जैक भी प्रेजेंट है। लुक एंड फील वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फ़ोन देखने को मिलता है, डुअल कलर में देखने को मिलता है, ग्रीन कलर यहाँ पे बोल सकते हैं, और लुक एंड फील वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। देखो ओवरऑल बात किया जाए इस प्राइस रेंज में तो अभी Redmi Note 10s आ गया है और भी बहुत सारे आ गए हैं, बट मेरे हिसाब से अभी भी ये एक ख़राब डील नहीं है फ्रेंड्स। G85 के हिसाब से ओवरऑल बड़ा स्क्रीन देखने को मिलता है उसके हिसाब से भी अभी भी ख़राब डील नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो 464GB 10,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, आप ले सकते हैं। मेरा यही ओपिनियन है कि फुल एंड फाइनल रिव्यू में मिक्स्ड फीलिंग कहूँगा यहाँ पे। अगर 10 आउट ऑफ मार्क्स देना रहेगा तो 8.5 दूंगा, 1.5 कुछ और चीज़ें रहती थी तो वो भी हो जाता था, बट ठीक है मेरे हिसाब से मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ यार। अगर आप उस प्राइस रेंज में लेंगे तो आप भी सेटिस्फाइड ही रहेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी प्राइसिंग नहीं है, जितना प्राइसिंग है उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मुझे लगती है कि प्रोवाइड किया है इन्फिनिक्स ने अपने नोट 10 में। तो यही इन्फिनिक्स नोट 10 का फुल एंड फाइनल रिव्यू आफ्टर 180 डेज ऑफ यूसेज। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, बने टेक चैनल के साथ। बोलती जय हिंद, पीस आउट।